चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जस्ट पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जस्ट कवर अप किए थे। आप सभी लोगों ने पाइथन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया क्या? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने पाइथन को इंस्टॉल करने में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम फेस किया हो? कमेंट करके कंफर्म कर दो। कुछ लोग हैं जिन्होंने पाइथन इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम फेस किया, जिसमें मैं इसको फटाफट इंस्टॉलेशन सिखा देता हूँ, क्योंकि आज मैं अपने सिस्टम से और पीसी से पाइथन को ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपके लिए पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टेप बाय प्रॉपरली समझना पॉसिबल होगा। जस्ट अ वेट, जैसा मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ? डाउनलोडिंग पाइथन सॉफ्टवेयर, राइट। अभी मेरे पीसी में भी करेंटली पाइथन सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। जस्ट मैं जीरो लेवल से इसका इंस्टॉलेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगेन टेस्ट इट। अगर मैं कमांड टाइप करता हूँ समथिंग पाई, इज इट वर्किंग और नॉट? नॉट वर्किंग। सेम एज अगर मैं कमांड यूज कर रहा हूँ पाइथन, ठीक है, पाइथन में वर्क नहीं हो रहा है, जस्ट ऑनलाइन कोई अदर एप्लीकेशन ओपन कर रहा है, समथिंग एल्स, नॉट पाइथन, जस्ट उसका लिंक ओपन हो रहा है फ्रॉम समवेयर, जस्ट लीव इट। इस करेंटली पाइथन वर्क कर रहा है क्या? नहीं। तो इस केस में सबसे पहले अगेन प्रैक्टिकली सभी लोग देख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल इन पाइथन इन आवर मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको विजिट क्या करना है इस केस में? python.org वेबसाइट, राइट, python.org। जस्ट एंटर, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है, नथिंग न्यू, सेम स्टेप्स। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या है, जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। डाउनलोड में जाओ, डाउनलोड के अंदर ये डायरेक्टली लिंक आ रहा है। यहाँ पर एक दो ऑप्शन क्या है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर भी कई सारे लिंक्स हैं जहाँ से आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो। मोर देन वन लिंक्स पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपको अगर चाहते हो अपने आप को किसी अदर लिंक या अदर पेज के लिए स्विच नहीं करना चाहते हो, सिंपली आप जस्ट यूज करो डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर जाओ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज। ये ऑप्शन है, ये वेबसाइट है, जो कि पीसी टू पीसी तो डिपेंड करेगा नहीं, सबके लिए विजिबल है। तो आप सेम लिंक फॉलो कर सकते हो, जस्ट डाउनलोडिंग लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन 3.9.1, क्लिक इट। जस्ट 26 या 27 MB का सॉफ्टवेयर, काफी स्मॉल साइज है, ठीक है। आई थिंक इसका डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हो चुका है ऑलरेडी, मैं कई बार इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, चेक कर सकते हो, इसके कई सारे कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल है। इस डाउनलोडिंग प्लेस पर जाओ जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी exe फाइल डाउनलोड हुआ है, जस्ट इस exe फाइल को डबल क्लिक करने की नीड है, डबल क्लिक इट। काफी सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको केयरफुली ध्यान क्या रखना है वो देख लो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद अगर आप चाहते हो पाइथन एप्लीकेशन आपके लिए डायरेक्टली रन करना पॉसिबल हो, डायरेक्टली क्रिएट करना पॉसिबल विदाउट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जस्ट यहाँ एक बटन आ रहा है क्या, ऐड बटन, जैसा मैंने कल भी डिस्कस किया था, इस ऐड बटन को जस्ट चेक्ड बनाना है, राइट, चेक डेट दिख रहा है सबको, सबसे लास्ट में ऐड पाइथन 3.9 टू द पाथ। अगर आप इसको चेक्ड पर क्लिक कर दोगे, जस्ट चेक्ड एट, नथिंग एल्स, ठीक है। चेक्ड बनाने के बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल नाउ, राइट, इंस्टॉल नाउ। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ये रेडियो बटन सिलेक्ट करने की नीड है, सॉरी चेक बॉक्स, देन सिंपली इंस्टॉल नाउ, पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाए, जस्ट क्लिक यस, ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। देख लेते हैं इसको,
नेक्स्ट वन क्या रहेगा, जस्ट क्लोज इट। इस फाइनली यहाँ पर पाइथन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। जस्ट फ्यू स्टेप्स आपको परफॉर्म करने की जरूरत है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट सब कुछ आपको दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं जस्ट वीडियो क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। पाइथन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इंस्टॉलेशन के बाद अगर आप फर्स्ट पाइथन एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, जस्ट आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी डेवलप कर सकते हो, आइडियली टूल के थ्रू भी डेवलप करना पॉसिबल है, राइट। अगर आप पाइथन के स्मॉल स्मॉल कोड को आप टेस्ट करना चाहते हो, कोड सिंटैक्स, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड को टेस्ट करने के आपके पास अवेलेबल क्या, जस्ट लर्निंग टूल और लर्निंग एनवायरमेंट कॉल्ड एस आईडीएलई, राइट। आईडीएलई किस कैटेगरी में आता है, रैपल टूल्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ पर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइमिंग रहेगा अपने लिए, राइट। क्योंकि जस्ट बिगिनर लेवल के लिए कभी भी आपको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, जस्ट एज अ प्रोग्रामर और एज अ बिगिनर स्टूडेंट आपको इसका आइडिया क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। आइडियली टूल में किसी को प्रॉब्लम आया है, इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जस्ट इसका पर्पज क्या है, जस्ट पाइथन का स्मॉल स्मॉल कोड डायरेक्टली टेस्ट करना। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको पाइथन एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो आपका टोटल कितने अप्रोच है, फोर, राइट। यूजिंग आइडियली टूल और रैपल टूल, यूजिंग नोट पैड, एडिट प्लस एंड आईडी सॉफ्टवेयर, राइट। दो चारों के अवेलेबल, लेकिन डेवलपमेंट लेवल पर यूज क्या होता है, आईडी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। स्टूडेंट लेवल पर जस्ट मैं यहाँ यूज क्या करने वाला हूँ, नोट पैड एंड एडिट प्लस। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग के फ्यू क्लासेस में पाइथन प्रोग्राम डेवलप करूंगा यूजिंग नोट पैड, ठीक है। दो या चार क्लास कंप्लीट होने के बाद देन जस्ट एडिट प्लस का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। एडिट प्लस में आपको पाइथन को कॉन्फिगर कैसे करोगे, कैसे यूज करोगे, सब कुछ में आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे एडिट प्लस सॉफ्टवेयर आपको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आई थिंक वहां पर आपको इसका लाइसेंस परचेज करने की नीड होती है, जस्ट वहां पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिलता है, ट्रायल वर्जन जस्ट 30 डेज। तो उसके साथ मेरे पास ऑलरेडी इसका क्रैक्ड वर्जन अवेलेबल है, मैं अपना सॉफ्टवेयर आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, प्लस इसका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड या जो भी लगता है वो इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर देंगे, तो आप उससे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे। तो अभी एडिट प्लस को इग्नोर करो, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ अबाउट नॉट पैड। आईडियली टूल के बारे में आगे और भी कुछ बताने की जरूरत है, या लास्ट टाइम आपको सब कुछ क्लियर है, मेरे ख्याल से जस्ट इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, आगे डे टू डे आपको रेगुलर केस में ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगा। तो अभी जस्ट छोड़ सकते हो नॉट पैड। तो फर्स्ट पाइथन एप्लीकेशन डेवलप करना, तो डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको यूज क्या करना है, जस्ट हाउ टू डेवलप एंड टेस्ट, टेस्ट मीन जस्ट एग्जीक्यूशन, फर्स्ट पाइथन एप्लीकेशन यूजिंग नॉट पैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट। ये सिंपल स्टेप है, कोई भी पर्सन इसको फॉलो कर सकता है, राइट। अब ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होना चाहिए जिसको कमांड प्रॉम्प्ट का कोई आइडिया नहीं है। ऐसा कोई है जो कमांड प्रॉम्प्ट फर्स्ट टाइम ओपन करने जा रहा है या फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहा है, मीन्स आपको बिल्कुल किसी भी टाइप का कोई भी आइडिया नहीं है, एनीवन कमेंट करके बताओ, उसके बिहाफ पर ही मैं आगे जस्ट इसका नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं केवल उन लोगों को जानना चाहता हूं जिनको जीरो आइडिया है, काफी लोग हैं। ठीक है, जिन लोगों को आइडिया है उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। जस्ट एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट का यूज क्या है सब कुछ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी आपको अगर नया सीखना है तो टाइम तो लगेगा। अब मैं अगर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये मत सोचना कि मेरा टाइम फालतू जा रहा है या अदर थिंग्स में जा रहा है, हम तो पाइथन पढ़ रहे थे, लेकिन आगे अपन फ्यूचर में पाइथन के सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही तो डेवलप करने वाले हैं, राइट। जब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसके एप्लीकेशन डेवलप करने वाले, तो आपको पहले लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, ये किस टाइप का टूल है, एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसका आपको ABCD कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आप कुछ भी पढ़ते, अगर कोई पर्सन आगे चल के जावा पढ़ता है, एनीथिंग एल्स, सभी केस में आपको कमांड प्रॉम्प्ट तो लगता ही लगता है। जैसे आपने अगर सी का कभी प्रोग्राम बनाया हो, सी प्रोग्राम,
सी प्रोग्राम आप जैसे टर्बो सी एडिटर के थ्रू बनाते हो, लेकिन सी का प्रोग्राम भी नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट से डेवलप करना पॉसिबल है जस्ट बाय यूजिंग नोटपैड, राइट। जो लोग में से सी कंप्लीट कर चुके हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा। सेम जावा प्रोग्राम से किसके थ्रू बनाए जाते हैं, यूजिंग नोटपैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब एक कॉम्बिनेशन स्टूडेंट लेवल पर मोस्ट पॉपुलर है, इसलिए आपको एज अ टेक्निकल पर्सन आपको जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ पहले कमांड प्रॉम्प्ट का पर्पज क्या है, एक्चुअली किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, राइट, इसका रिलेशन क्या है, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट के मैं डिफरेंट डिफरेंट कमांड आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है, राइट। देखते हैं सिंपली फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बात करें वन साइड, अगर कोई ह्यूमन पर्सन है, अगर किसी भी यूजर की बात कर रहे हैं या किसी प्रोग्रामर की बात कर रहे हैं, तो यूजर और प्रोग्रामर किस कैटेगरी में आता है, मशीन की कैटेगरी में और ह्यूमन की कैटेगरी में, जस्ट ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। लेकिन अगर मैं प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम या जस्ट कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, सिंपल, राइट, जस्ट कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ डील कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, प्लस कंप्यूटर के अंदर सब कुछ एग्जीक्यूट और प्रोसेस कौन करता है, जस्ट सीपीयू विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो सबको आइडिया है, इस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी पीसी या मशीन पॉसिबल है क्या, नहीं। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एज अ असिस्टेंट टू द प्रोसेसर और सीपीयू, दैट्स इट। जस्ट मैं बात करना चाहता हूँ, मैं सिंपली से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एजेंट करो एज अ कंप्यूटर मशीन फिजिकली, राइट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको इस कंप्यूटर के हेल्प से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जस्ट कंप्यूटर को वॉइस के फॉर्म में बोल दोगे वर्बली, ए कंप्यूटर प्लीज क्रिएट अ न्यू फोल्डर, तो कभी आपके लिए कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करेगा क्या, नहीं, राइट। अगर आपको कंप्यूटर से टॉकिंग करना है तो आपको जस्ट सबसे पहले रिक्वायर्ड किया हुआ सम इंटरफेस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कम्युनिकेशन टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के बीच में हो रहा है, ह्यूमन और मशीन के बीच में, तो इन दोनों पर्सन के बीच में या तो कोई कॉमन मीडियम होना चाहिए, राइट, डायरेक्टली ऐसा कोई मीडियम नहीं, या फिर आपको कोई ऐसा इंटरफेस चाहिए जिसके थ्रू ह्यूमन के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना पॉसिबल हो। तो इंटरफेस क्या है, जस्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई भी पर्सन कंप्यूटर्स के साथ किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब वर्ल्ड में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम टू फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं, राइट। यहाँ पर अगर ये ह्यूमन कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना चाहता, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता, एनीथिंग व्हाटएवर, आपको कॉपी करना है टेक्स्ट या पेस्ट करना है, तो सब कुछ कौन करेगा, जस्ट प्रोसेसर और सीपीयू। लेकिन इसके लिए इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली सेंड करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो आपको जस्ट कोई कॉमन मीडियम या इंटरफेस रिक्वायर्ड है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने बिगिनिंग लेवल पर, जब आपने कभी भी लाइफ में कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़े होंगे, तो आपने सुना हुआ ओएस का एक्चुअल रोल क्या रहता है, जस्ट ह्यूमन पर्सन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना और इंटरेक्ट करना, मतलब एक टाइप से इंटरेक्ट होने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए टू टाइप्स के इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हाउ मेनी टाइप्स, जस्ट टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, नॉट ओनली सिंगल, कोई भी ओएस, राइट। टू टाइप के इंटरफेसेस क्या है, एक तो सीयूआई इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरप्रेटर, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, कैरेक्टर यूजर इंटरप्रेटर। दूसरा जो इंटरफेस है ये किस फॉर्म होता है, जीयूआई के फॉर्म में, ग्राफिकल यूजर इंटरप्रेटर। तो जो सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आप विंडोज प्रोग्रामर हो, मतलब करंटली आपने अगर विंडोज ओएस इंस्टॉल कर रखा है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको टोटली कितने इंटरफेस देगा, टू सीयूआई एंड जीयूआई। तो इसने जो सीयूआई इंटरफेस दिया उसका नेम क्या, जस्ट डॉस। डॉस क्या, नथिंग बट कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। अगर आप यूनिक्स या लाइनक्स यूज कर रहे हैं, तो लाइनक्स के अंदर सीयूआई इंटरफेस में यूज क्या होता है, जस्ट यूनिक्स। सिमिलरली जीयूआई की बात करें,
विंडोज के अंदर विंडोज इटसेल्फ क्या है, जस्ट जीयूआई एनवायरनमेंट, और यूनिक्स के केस में जीयूआई फॉर्म में अवेलेबल क्या, जस्ट लिनक्स, राइट, जस्ट लिनक्स। लिनक्स और यूनिक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, लेकिन डिफरेंस क्या है, लिनक्स जीयूआई की कैटेगरी में आता है ग्राफिकल फॉर्म में और यूनिक्स कैरेक्टर्स के फॉर्म में, राइट। फाइनली अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी जॉब परफॉर्म कराना है तो आपको कंप्यूटर्स को डायरेक्टली कमांड नहीं दे सकते, सबसे पहले कमांड किसको दिए जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रिक्वेस्ट सीपीयू के पास ले जाएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे। जस्ट एक सिंपलेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एज अ ह्यूमन पर्सन जस्ट मुझे अपने पीसी में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो आपके पास अगर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर एक्चुअली क्रिएट कौन करेगा, प्रोसेसर, राइट, बैकग्राउंड में इसको क्रिएट कौन करेगा, प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अब प्रोसेसर को कोई सपने थोड़ी आएंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस किसको सेंड करोगे न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए, आपके पास टोटल टू चॉइस अवेलेबल है, या तो सीयूआई इंटरफेस के थ्रू या फिर जीयूआई इंटरफेस के थ्रू। मतलब अगर आप कंप्यूटर्स के फॉर्म में कोई भी जॉब परफॉर्म करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, टोटली एज ए ह्यूमन पर्सन और एज ए प्रोग्रामर और यूजर आपके पास टू चॉइस अवेलेबल है, यूजिंग सीयूआई और यूजिंग जीयूआई। जो जॉब आप जीयूआई इंटरफेस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, सेम टास्क सीयूआई इंटरफेस के थ्रू भी पॉसिबल है, राइट। सीयूआई इंटरफेस में आपके लिए क्लिक करने के लिए कुछ नहीं होता, जस्ट सब कुछ आप कैरेक्टर्स के फॉर्म में टाइप करोगे, कमांड्स के फॉर्म में। यहाँ पर कोई भी फोल्डर या फाइल या कोई आइकन विजिबल होता है क्या, नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीयूआई इंटरफेस। विंडोज कहती है, जस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना, कहां पर, मेरे पास करेंटली एक फोल्डर है समथिंग पाइथन क्लासेस, पाइथन क्लासेस के अंदर इसी प्लेस पर मीन्स पाइथन क्लासेस के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो ये आपकी एक विश है, जस्ट वी वांट टू विश क्रिएट अ न्यू फोल्डर। लेकिन आपकी ये विश पूरा कौन करेगा, प्रोसेसर और जस्ट मशीन। मशीन को आप अपने आपके अंदर जो फीलिंग आ रहा है वो आप मशीन के साथ कैसे शेयर करोगे, यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और बाई यूजिंग सम इंटरफेस। कितने इंटरफेस हैं आपके पास, टू इंटरफेस, सीयूआई जीयूआई। पहले मैं जीयूआई की बात करता हूं, क्योंकि जीयूआई के साथ ऑलमोस्ट सभी लोग फेमिलियर होते हैं, राइट। राइट क्लिक, न्यू, यहां पर आपको कोई भी कमांड टाइप करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, जस्ट कुछ आइकन्स आए, क्लिक किया, उसको सिलेक्ट किया, जस्ट आप क्लिक क्या करो, क्लिक ऑन फोल्डर बटन, जस्ट एक न्यू फोल्डर क्रिएट होके आपके पास रेडी है, राइट। अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हो। रीनेम करना तो मैंने न्यू नेम प्रोवाइड किया समथिंग फोल्डर F1, राइट, F1, नया न्यू नेम क्या इसका, F1। तो अभी मैंने फोल्डर किस इंटरफेस के हेल्प से क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इसको क्रिएट कुछ नहीं किया प्रोसेसर ने, इन किस इंटरफेस के थ्रू, बाई यूजिंग CUI इंटरफेस, राइट, गुड। नेक्स्ट वन, अब यही फोल्डर मुझे CUI, सॉरी अभी मैंने GUI के थ्रू क्रिएट किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको जो आइकन्स या विंडोज विजिबल होते हैं ये जस्ट GUI का पार्ट है, जैसा कि आपके लिए सब कुछ अंडरस्टूड है। CUI की बात करो, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, ये कमांड प्रॉम्प्ट भी जस्ट एक इंटरफेस है जो कि यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, और यहाँ हार्डवेयर कौन है, जस्ट प्रोसेसर। अगेन मुझे फिर से एक नया फोल्डर क्रिएट करना, तो जो फोल्डर मैंने पहले विंडोज के थ्रू क्रिएट किया था वही फोल्डर इस प्रॉम्प्ट के थ्रू भी क्रिएट करना पॉसिबल है, राइट। प्रॉम्प्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे तो कैसे, टेस्टेड, तो प्रीवियस केस में आपने जस्ट कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेंड किया बाय यूजिंग जीयूआई इंटरफेस, राइट क्लिक, देन क्या था, न्यू बटन, न्यू के बाद क्या था, जस्ट फोल्डर बटन, इसी टाइप का कुछ ऑप्शंस थे आपके पास, न्यू फोल्डर लाइक दैट। अगर जीयूआई है, सीयूआई है, तो यहाँ पर आपको कमांड्स के फॉर्म में टाइप करना हो, तो कमांड्स के केस में आपके पास कमांड है जस्ट एमडी, एम स्टैंड्स फॉर मेक, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, राइट। देन उसके बाद आप जस्ट जो भी न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो उसका न्यू नेम प्रोवाइड करो, तो मैंने नेम प्रोवाइड किया जस्ट एफ टू, राइट। वी वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर क्रिएट कहां हो जाएगा, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर आप किसी डिफरेंट प्लेस पर क्रिएट करना चाहते हो आप कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप कोई एफ टू फोल्डर सी ड्राइव के अंदर टेम्प डायरेक्टरी में क्रिएट करना, तो आप इस टाइप से कमांड पेश कर सकते हो। पहले सिंपली समझते हैं इसको, जस्ट एमडी क्या है, कमांड। तो यहाँ पर एक कमांड राइट किसने किया है, प्रोग्रामर ने, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने।
किसके थ्रू भाई, यूजिंग सम इंटरफेस। ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटरफेस ओएस ने आपके लिए किस फॉर्म में प्रोवाइड किया है, सीयूआई के फॉर्म में। इसी इंटरफेस को डॉस में क्या बोलते हैं, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ये कमांड आप रेज करोगे, इस केस में यूजर ने जस्ट कमांड किसको सेंड किया, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट। ये कमांड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन के लिए कौन सेंड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। प्रीवियस केस में आपने कुछ सिलेक्शन किया, राइट क्लिक और न्यू समथिंग, तो यहाँ पर भी ये फाइनली ये कमांड हैंडल कौन कर रहा है, जस्ट हार्डवेयर, राइट। तो आपके आपके जो भी कमांड्स हैं, कमांड्स हार्डवेयर तक सेंड होने के लिए टोटल आपका कितने इंटरफेसेस हैं, टू इंटरफेसेस, सीयूआई जीयूआई। सीयूआई इज नथिंग बट जस्ट डॉस। सी डॉस को विंडोज में क्या बोला जाता है, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट। क्या बोलोगे, कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर कुछ भी बटन्स हैं क्या, नहीं, सब कुछ आपको कैरेक्टर्स के फॉर्म में राइट करना होता है, राइट। दूसरा केस, अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो तो यूनिक्स में इसी को प्रॉम्प्ट भी बोला जाता है और जस्ट टर्मिनल। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पॉसिबल है, लेकिन सभी ओएस के अंदर इसका कॉमन नेम क्या है, इट इज सीयूआई इंटरफेस एंड जीयूआई इंटरफेस, लाइक दैट। अभी तो जस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया बताया, एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, पर आपके माइंड में आपकी तरफ से कोई भी विश है और ये विश आप हार्डवेयर या मशीन से पूरा करवाना चाहते हो, तो उस हार्डवेयर तक शेयर करने के लिए आपके पास एक जस्ट व्हीकल है, जस्ट लाइक अ व्हीकल। यहाँ पर जिस डॉस को आप क्या बोल सकते हो, जस्ट लाइक अ व्हीकल। इसका वर्किंग क्या है, आपके जो विशेष है उन विशेष को ओएस तक या जस्ट कंप्यूटर तक सेंड करना। इतना क्लियर है सबको? तो अब इस कमांड प्रॉम्प्ट या इंटरफेस को ओपन करने के लिए आपके पास जो सिंपलेस्ट वे है, या तो आप क्या करो, जस्ट सर्च बार में टाइप कर दो सीएमडी, राइट। सर्च बार में आप टाइप क्या कर दोगे, जस्ट सीएमडी। सीएमडी टाइप करोगे तो उस केस में जस्ट आपको ये ब्लैक विंडो सिलेक्शन के लिए विजिबल हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ऐप। इसको क्लिक करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट जस्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अगेन सीएमडी, क्लिक इट, ओपन हो गया, सेम इंटरफेस। दूसरा वे क्या है इसको ओपन करने का, बोलो, सेकंड वे, जस्ट विंडोज प्लस आर। शॉर्टकट की है, विंडोज की के साथ आपको आर प्रेस करना है। तो यहां पर भी आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में वो कमांड टाइप कर दो जिसको ओपन करना चाहते हो। जैसे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, याद रखना इस रन बार का स्पेशली कमांड प्रॉम्प्ट से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे या इस रन बार के थ्रू। जैसे मुझे सीएमडी कमांड रन करना है, जिससे ओपन क्या हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने सीएमडी टाइप किया, प्रेस ओके और एंटर, तो अगेन इससे ओपन हो रहा है। मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करना है, जस्ट वी वांट टू ओपन नोटपैड फाइल। तो आप यहाँ टाइप क्या कर सकते हो, जस्ट नोटपैड, राइट। एक तो नोटपैड फाइल को ओपन करने का भी क्या है, जस्ट सिलेक्शन और विंडोज। ये भी एक टाइप से जो रन बार है, ये भी CUI इंटरफेस की कैटेगरी में आता है। नोटपैड टाइप किया, क्लिक ऑन ओके, ओपन क्या हो गया, न्यू नोटपैड फाइल, क्लियर। अगर मुझे यहाँ पर MS Word ओपन करना है, MS Word, तो सिंपली आप टाइप क्या कर दोगे, MS Word, देखते हैं ओपन हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट सम मे बी सम एरर, ओके, क्या रहा, सम काइंड ऑफ एरर। क्यों, यहाँ पर OS को नहीं पता कि MS Word नाम का कोई कमांड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, राइट। दूसरा केस, अभी मैं जस्ट नोटपैड को ओपन कर रहा था, अगेन टेस्ट करो, मैंने इस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया सिंपली। अब जस्ट क्या है, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कमांड प्रॉम्प्ट, इसको आप कैसे यूज करो। तो यहाँ पर जस्ट बाय डिफॉल्ट कोई फाइल क्रिएट कर दे या फोल्डर क्रिएट कर दे। यहाँ पर मेरे पीसी में सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर सब फोल्डर है यूजर्स, यूजर के अंदर कोई इस टाइप का फोल्डर अवेलेबल है, यूजर फोल्डर। बाय डिफॉल्ट वर्क किसके अंदर होगा, इस प्लेस पर, दैट इज करेंट वर्किंग फोल्डर। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी एंड फोल्डर। Anybody can reply, what is the difference between directory and folder? देखा जाए तो folders का ही दूसरा नेम क्या होता है, directory, या directory का just alternative और areas नेम क्या है, folder, no difference. Practically तो कोई difference है ही नहीं, लेकिन जिसमें मेरा concern क्या है, यहाँ पर किस situation में आप folder बोलोगे, किस situation में आप directory बोलोगे, बोलो, any idea?
काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा स्ट्रांग बनाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी एंड फोल्डर? नो आइडिया। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले वर्ल्ड में सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम आया था या जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब पहले डॉस आया था या पहले विंडो आया? सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, मतलब मैं सीयूआई की बात कर रहा हूँ विंडोज के रिस्पेक्ट में। पहले विंडोज आया है डॉस आया? पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, राइट। उसके बाद कुछ फ्यू ईयर्स बाद जस्ट इंट्रोड्यूस क्या हुआ? सीयूआई। तीसरा आपका आंसर गलत है, सॉरी राइट आंसर है आपका, देखते हैं। सबसे पहले क्या आया? जस्ट जीयूआई इंटरफेस, सॉरी सीयूआई इंटरफेस। अगर आप किसी सीयूआई इंटरफेस के साथ वर्क कर रहे हो, चाहे वो लाइनक्स सॉरी यूनिक्स हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम हो, राइट, इन टर्म ऑफ सीयूआई इंटरफेस वी कैन से जस्ट डायरेक्टरी। मीनिंग वाइज सेम है, प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। सीयूआई इंटरफेस के रिस्पेक्ट में फोल्डर को क्या बोला जाएगा? डायरेक्टरी। और पहले सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम आया था इसलिए पहले कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ? डायरेक्टरी। लेकिन जब जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए तो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी को क्या बोला जाता? जस्ट फोल्डर। प्रैक्टिकली इन दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अगर मैं डॉस के साथ वर्क कर रहा हूं तो मैं जब भी कोई फोल्डर अनाउंस करूंगा तो उसके लिए टर्म यूज करूंगा जस्ट डायरेक्टरी, नॉट अ फोल्डर एज अ टेक्निकल। नेक्स्ट वन, तो करेंटली आपको क्या सो रहा है? जस्ट ड्राइव। अगर आपको ये ड्राइव चेंज करना है, वी वांट टू मूव इन डी ड्राइव्स, तो आप जस्ट यूज क्या करोगे? ड्राइव नेम। जिस ड्राइव में आप मूव होना चाहते हो उस ड्राइव का नेम राइट करोगे, देन कॉलन। किसके लिए? ड्राइव को चेंज करने के लिए। आप बोलो सर ये ड्राइव चेंज करने की जरूरत क्यों है? मान लो आपने जस्ट माई पीसी ओपन कर लिया है, माई पीसी, तो माई पीसी में इनिशियली आपको टू ड्राइव सो रहा है, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव। अब मैं जस्ट किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, वहां पर जाकर मुझे कोई फाइल ओपन करना या सर्च करना है, तो किसी एक को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, या इधर सी और डी। तो सिमिलरली यही सिलेक्शन मुझे अगर कमांड प्रॉम्प्ट से करना है तो कैसे करोगे? यूजिंग ड्राइव नेम विथ कॉलन, ओनली कॉलन, जस्ट प्रेस एंटर की। तो अब करेंटली मैं किस ड्राइव में वर्क कर रहा हूँ? डी ड्राइव के अंदर। मतलब आगे अगर कुछ भी सर्च करो या क्रिएट करो या चेंजेस करो, वो कंटेंट्स कहाँ पर होंगे? डी ड्राइव के अंदर, राइट। डी ड्राइव के अंदर अगर मुझे फिर से जाना है इनसाइड पाइथन क्लासेस फोल्डर, तो आप जस्ट कमांड यूज करोगे सी डी पाइथन क्लासेस, राइट। मतलब मैं एक न्यू डायरेक्टरी सेट करना चाहता हूँ, इन फ्यूचर जो वर्क होगा इसी फोल्डर में होगा, मैं इस फोल्डर को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपके पीसी में इस नाम का कोई फोल्डर नहीं है, तो अगर आप सेम नाम से फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, जस्ट कमांड यूज करोगे एम डी कमांड। एम डी स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, तो इस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर नो न्यू डायरेक्टरी, राइट। जस्ट सम एरर, अ सब डायरेक्टरी और फाइल पाइथन क्लासेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो मैटर, आपके केस में न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर आपको एंट्री लेना है, तो विंडोज में आप क्या करते हो? इस फोल्डर को डबल क्लिक, राइट। विंडोज के केस में अगर आपको फोल्डर के अंदर जाना, जैसे यहाँ पर क्या आया? पाइथन क्लासेस फोल्डर, तो इसके अंदर आपको देखना है इसके अंदर कितने फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, लाइक दैट। तो इसको डबल क्लिक करने की नीड होती है, यहाँ पर आपको कोई कमांड टाइप करने की नीड है क्या? नहीं। तो सिमिलरली अगर यही इसी टाइप से आपको पाइथन क्लासेस फोल्डर में एंट्री लेना है, कहाँ से? कमांड प्रॉम्प्ट से, तो आप यूज क्या करोगे? सी डी कमांड। याद रखना, आप जितने भी क्लिक करते हैं या जो भी, जो विंडोज के केस में आप वर्क करते हो, सभी विंडोज के रिस्पेक्ट में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं डॉस कमांड रन होते हैं, याद रखना। मतलब एक्चुअली जो विंडोज है, विंडोज कभी भी आपको हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। मैंने जो डायग्राम लाया है बनाया कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर आप कोई भी कमांड विंडोज के थ्रू रन कर रहे हो, राइट, तो विंडोज जब कोई कमांड रिसीव होगा तो आपका कमांड पहले हार्डवेयर को सेंड नहीं किया जाएगा, सबसे पहले कमांड सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर किया जाएगा, और ये सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट होता है? हार्डवेयर से। तो विंडोज के फॉर्म में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, और अगर आप सीयूआई इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मीन्स आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस के बेसिस पर हाई परफॉर्मेंस किसका हुआ, सीयूआई इंटरफेस का या जीयूआई इंटरफेस का? जी सॉरी सीयूआई इंटरफेस, उसका रीजन आपके सामने मैंने शो कर दिया है, राइट। देन जस्ट सीडी पाइथन क्लासेस। तो अब
मीन्स आप जस्ट कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर आपने पाइथन क्लासेस नाम का फोल्डर ओपन कर लिया है। इसके अंदर जस्ट मुझे चेक करना करेंटली कितने फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं। तो आप कमांड क्या यूज करोगे, जस्ट DIR कमांड। तो DIR कमांड से क्लियरली शो रहा करेंटली इस डायरेक्टरी में कितने सब फाइल और फोल्डर्स अवेलेबल है। जो फोल्डर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं उनके साथ DIR है। आप कैसे पता करोगे फाइल है या फोल्डर है, आप बोलोगे सर एक्सटेंशन से, राइट। अगर यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है कौन सा नेम फाइल की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कौन सा नेम फोल्डर्स की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, सिंपल। पर डॉट के साथ एक्सटेंशन है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज फाइल। एक्सटेंशन नहीं है देन वी कैन से दिस इज फोल्डर। ऐसा कोई भी रोल नहीं है या कोई भी रूल नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हो, कोई फोल्डर क्रिएट किया समथिंग abc.txt, ये फाइल क्रिएट नहीं हो रहा है, फोल्डर क्रिएट हो रहा है। फोल्डर के साथ फोल्डर नेम में डॉट यूज करना लीगल है, फोल्डर के नेम में txt यूज करना लीगल है, mp3 यूज करना लीगल है, नो मैटर। एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया abc.txt, अब आपको तो पता है मैंने abc.txt फोल्डर क्रिएट किया था, लेकिन जब कोई न्यूली पर्सन एंट्री लेगा तो वो क्या सोचेगा, करेंटली इस प्लेस पर टू फाइल्स हैं, unit1.txt और abc.txt। आपको पता है रियल में abc.txt फाइल है फोल्डर है, फोल्डर है। कैसे वेरीफाई करोगे, GUI इंटरफेस के थ्रू। चेक करते हैं इसको, चेक करो यहाँ पर abc.txt फाइल नेम या फोल्डर नेम है, क्लियरली शो रहा है इट इज फोल्डर नेम, राइट। तो फिर डॉस के केस में आप कैसे वेरीफाई कर पाओगे फाइल या फोल्डर, जस्ट इसके लेफ्ट में शो हो रहा है दिस इज DIR, मींस डायरेक्टली। इन फाइल के लेफ्ट में कहीं कोई कुछ भी ऐसा शो हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन एक और केस देखो, फाइल नेम के साथ आपको शो क्या हो रहा है, साइज ऑफ द फाइल। लेकिन कभी भी आपको फोल्डर नेम के साथ कभी साइज विजिबल नहीं होता है, उसका एक रीजन है फोल्डर का एक्चुअली कोई साइज होता ही नहीं है। फिजिकली कंटेंट्स बाइनरी फॉर्म में फोल्डर के फॉर्म में स्टोर होते हैं, फाइल्स के फॉर्म में, फाइल्स के फॉर्म में। फोल्डर के फॉर्म में कभी भी कोई कंटेंट्स फिजिकली डायरेक्टली स्टोर नहीं होते हैं। मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हो अल्फाबेटिकल फॉर्म में, तो टेक्स्ट कभी फोल्डर में टाइप करना है स्टोर कराना पॉसिबल है कि नेवर, फाइल्स के फॉर्म में। और फाइल्स किसका पार्ट होंगे, फोल्डर्स का, राइट। तो फाइल फोल्डर्स के अंदर कोई कंटेंट्स डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फोल्डर का खुद का कोई साइज नहीं होता है। साइज किसका होता है, प्रैक्टिकली ओनली फाइल्स का, तो इसलिए फाइल के साथ में साइज हो रहा है, ठीक है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना आपके लिए नॉलेज सफिशियंट है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब आपने अभी जस्ट मैंने क्या बोला, फिर से मुझे चेक करना है कि इस पाइथन क्लासेस फोल्डर में कितने सब फाइल और फोल्डर्स हैं। तो आपने कमांड क्या यूज किया, जस्ट DIR। लेकिन इसने ये तो बता दिया कि पाइथन क्लासेस फोल्डर में कितने फाइल और फोल्डर्स हैं, लेकिन ऐसा आपको कहां दिख रहा है कि इस क्लास वन फोल्डर में कितने फाइल है, या हो सकता है इसके अंदर भी सब फाइल और सब फोल्डर एग्जिस्ट कर रहे हो, राइट। तो नेस्टेड लेवल पर या नेक्स्ट लेवल पर देखना पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर नेक्स्ट लेवल पर सब फाइल और फोल्डर देखना चाहते हो, उसके लिए स्पेशल कमांड है tree/f। मैंने इसको विंडोज 10 में टेस्ट नहीं किया है, हो सकता है विंडोज 10 में ये कमांड एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है। जस्ट विंडोज 10 में फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, आई थिंक ये एग्जिस्ट करता है। चेक करो ब्यूटीफुली आपके लिए देखना पॉसिबल है, यहाँ पर tree/f कमांड से। ये कमांड हो सकता है आप में से जितने भी पर्सन अभी क्लास ज्वाइन करके बैठे हुए हैं उन सभी ने फर्स्ट टाइम देखा हो, राइट। यहाँ पर क्लास वन फोल्डर में क्लियरली देखना पॉसिबल है कितने फाइल्स हैं, क्लास टू क्या है सब फोल्डर, इस सब फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं, सब कुछ आपके लिए क्लियरली देखना पॉसिबल है कि नहीं, ट्री डायग्राम के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ट्री। और इसके अंदर फिर से कोई फोल्डर होता तो वो फोल्डर भी आपके लिए देखना पॉसिबल होता, राइट, लाइक दैट। फिर से देखते इस कमांड का रोल, जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके कुछ फोल्डर्स जैसे क्लास सिक्स और क्लास सिक्स से लेकर फोर तक के फाइल और फोल्डर मैंने कट कर लिए, जस्ट कट इट, और क्लास टू में पेस्ट कर दिए, राइट। क्लास टू के अंदर भी जस्ट फाइल और फोल्डर्स कट करके क्लास फोर में पेस्ट कर दिए, मतलब एक नेस्टेड लेवल क्रिएट करने के लिए, इसके अंदर फर्दर सब फाइल और सब फोल्डर्स हैं। तो इस केस में अगर आप DIR कमांड यूज करोगे तो केवल नेक्स्ट सिंगल लेवल तक देखना पॉसिबल है कि पाइथन क्लासेस फोल्डर में कितने सब फाइल और फोल्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लेवल तक देखना चाहूं अगेन, तो आपके पास कमांड क्या है, tree/f। ओनली ट्री कमांड भी पॉसिबल है,
एक ट्री कमांड केवल फोल्डर्स को विजिबल करेगा नेस्टेड फॉर्म में, फाइल्स को विजिबल नहीं करेगा। टेस्टेड क्लियरली देखना पॉसिबल है, पाइथन क्लासेस फोल्डर में कितने फोल्डर्स हैं, क्लास वन, क्लास टू, क्लास टू के अंदर सब फोल्डर क्या है, क्लास फोर, क्लास फोर के अंदर सब फोल्डर क्या है, क्लास फाइव, क्लास सिक्स, राइट, लाइक दैट। तो यहाँ पर नेस्टेड लेवल में मतलब करंट लेवल तक आपको फोल्डर नेम भी शो हो रहा है, फाइल नेम भी शो, सॉरी एक्चुअली ये भी फोल्डर नेम ही था, राइट। लेकिन यहाँ पर केवल ट्री कमांड से फाइल्स आपको विजिबल नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो फाइल और फोल्डर लास्ट लेवल तक देखना है तो वहां पर आपको ट्री कमांड के साथ ऑप्शन यूज करना स्लैश एफ और टेस्टेड। यहाँ पर आपके लिए क्लियरली ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना पॉसिबल है। डायरेक्टली कोई फाइल है, सब फोल्डर, सब फाइल्स, क्लास टू फोल्डर के अंदर वन डॉट पी एन जी फाइल, इसके अंदर मैंने सब फोल्डर कॉपी किया था क्लास फोर, क्लास फोर के अंदर क्लास फाइव, क्लास सिक्स एंड सो ऑन। क्लियर है सबको? जिस दिन आप डॉस के साथ वर्क करना सीख जाओगे आपके लिए रियल में काफी इंटरेस्टिंग होगा, याद रखना। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हेडेक लगे, लेकिन एक बार आपने इसका वर्किंग सीख लिया मतलब आपको कमांड्स का नॉलेज हो जाएगा, डॉस के साथ वर्क करना आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। आपने कभी इमेजिन किया जो हैकर्स रहते हैं, हॉलीवुड मूवी तो सभी ने देखा होगा, कोई तो ऐसा नहीं है जिसने हॉलीवुड मूवी कभी नहीं देखा है, बॉलीवुड तो देखा होगा। हॉलीवुड मूवी में कुछ मूवी ऐसी हैं जिनमें हैकर्स का प्रयोग किया जाता है, हाँ बॉलीवुड मूवी में नो डाउट। अगर आपने हैकर्स के केसेस में मतलब अगर आपने किसी मूवी में सीन देखा होगा तो जब कोई पर्सन किसी मशीन को हैक करता है तो मूवी में भी आपको कौन सा इंटरफेस दिखाया जाता है, CUI और GUI। हैकर्स भी हमेशा CUI इंटरफेस का यूज करते हैं, रीजन क्योंकि इंटरफेस हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है। क्लियर? SQL भी आपके पास, जैसे SQL डेटाबेस आप यूज करते हो, समथिंग PLSQL, सॉरी MySQL और Oracle, तो और कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी डेटाबेस से इंटरेक्ट होने के टू इंटरफेस देता है। तो अभी डेटाबेस में मैं मूव नहीं होना चाहता हूँ, इतना कन्फ्यूज नहीं करना है आपको अभी, ठीक है। अभी इसका जिस थोड़ा बहुत यूज समझ में आया कि नहीं आया, अब आगे वाला यूज समझते हैं जो कि आपके लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। अगर मुझे यहाँ पर एक और विंडो ओपन करना है, एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो अवेलेबल है इसी टाइप का, जस्ट मुझे इसका क्लोन विंडो ओपन करना है, जस्ट यूज स्टार्ट कमांड, अपर केस में भी ले सकते हो लोअर केस में, राइट। स्टार्ट यूज किया, चेक करो अब आपके पास टोटल कितने विंडो ओपन हो चुके हैं, टू, दैट इज फर्स्ट और प्रीवियस विंडो, राइट, और एक और विंडो अवेलेबल है कि नहीं, कितने विंडो, जस्ट टू विंडोज। अब इस टाइप से कितने भी विंडो ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना है CLS, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है MD, डायरेक्टरी चेंज करना CD, आपको फिर से C ड्राइव में जाना है C:, राइट। आपको जस्ट अभी करेंट वर्किंग फोल्डर क्या, दैट वन, मुझे प्रीवियस फोल्डर में जाना, किसमें, यूजर्स में, राइट, यूजर्स में जाना, तो यूज क्या करोगे, CD:, तो CD:, जस्ट पेरेंट डायरेक्टरी में आपको या पेरेंट फोल्डर में मूव कर देगा। लेकिन मैं डायरेक्टली रूट लेवल के डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, रूट, रूट में जाना चाहते हो तो CD/, पेरेंट फोल्डर में मूव करना है तो CD:, और अगर आपको रूट डायरेक्टरी में जाना है टॉप लेवल डायरेक्टरी, यूज क्या करो, CD/, तो CD/ डायरेक्टरी क्या गया, जस्ट C drive। फिर से आपको D drive में जाना, D मतलब इस टाइप से आपके लिए स्विच करना पॉसिबल है। तो आगे फ्यूचर में छोटे छोटे कमांड्स में बार बार आपके साथ शेयर करूंगा, आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा, नो डाउट, मेरे साथ तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं बात कर रहा हूं इस प्लेस से, मैं जस्ट टाइप कर रहा हूं Notepad, मतलब आपको पता है ये भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जो CUI के साथ वर्क कर, तो आप कहीं ना कहीं OS के साथ ही तो वर्क कर रहे हो। Notepad ये सारे सॉफ्टवेयर ओपन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना पॉसिबल है कि नहीं? यस पॉसिबल, चेक करते हैं। एंटर की प्रेस किया, आप देख रहे हैं Notepad ओपन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या सर सारे के सारे सॉफ्टवेयर Notepad से ओपन करना पॉसिबल है? तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर से, ऑल सॉफ्टवेयर कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप पर डिपेंड करता है। आप बोलो सर मुझ पर कैसे डिपेंड करता है, आगे देखते हैं। जैसे मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर है Edit+, टाइप के Edit+, चेक करते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो Edit+ भी ओपन हो गया, राइट, गुड।
एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम है, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ एमएस वर्ड, तो ये भी वर्क करेगा? बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। राइट, क्या आएगा? एमएस वर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। कमांड प्रॉम्प्ट से आप जो कुछ भी टाइप करते हो, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एज कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, नॉट पैड, एडिट प्लस, एमएस वर्ड, एबीसी, जेआईडी, व्हाट एवर, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या, जस्ट लाइक अ कमांड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड कोई स्पेशल केस नहीं है, एक्चुअली ये जस्ट ईएक्सई फाइल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल्स। अगर मैंने टाइप किया नॉट पैड, तो इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं नॉट पैड डॉट ईएक्सई फाइल रन हो रहा है। अगर मैंने टाइप किया एडिट प्लस, तो इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एडिट प्लस डॉट ईएक्सई फाइल रन हो रहा है। अगर मैंने टाइप किया एमएस वर्ड, तो इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एमएस वर्ड डॉट ईएक्सई फाइल रन हो रहा है। राइट, अगर मैंने टाइप किया एबीसी, तो इसके बैकग्राउंड में एबीसी डॉट ईएक्सई फाइल रन हो रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को सर्च कर लेता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर ये फाइल मिल जाता है, उसको अगर पता है ये फाइल कहाँ पर है, तो ये exe फाइल एग्जीक्यूट हो, जिसकी वजह से ओपन क्या हो जाएगा, नॉट पैड। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एडिट प्लस डॉट exe फाइल सर्च करना पॉसिबल है, मतलब अगर ये इसको फाउंड कर लेता है, तो ये कमांड वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस exe फाइल को सर्च कर लेता, तो अगेन ये एमएस वर्ड डॉट exe फाइल कमांड भी वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड। अगर आपने एबीसी डॉट exe टाइप किया, अगर ये फाइल रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। क्लियर? देखते हैं, आप notepad लिखो या notepad dot ex लिखो, दोनों का सेम मीनिंग है, टेस्टेड। अगेन notepad ओपन हुआ, राइट, सेम है। आप edit plus टाइप करो या edit plus dot ex टाइप करो, सेम मीनिंग। एक्चुअली जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए जो फाइल है, उसका नेम एमएस वर्ड डॉट ex नहीं है, उसका एक्चुअल नेम है विन वर्ड डॉट ex। अगर आप एम एस वर्ड को ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए कमांड क्या, विन वर्ड। लेकिन अभी ये कमांड वर्क कर रहा है क्या, नहीं। क्या बोल रहा है आपको, विन वर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जस्ट टू टाइप्स के कमांड्स पॉसिबल है, इंटरनल और एक्सटर्नल। राइट, तो इंटरनल वो कमांड्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑलवेज फॉर एवर हमेशा विजिबल रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलवेज कभी भी यूज कर सकता है। दूसरी बात, इंटरनल कमांड्स को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे सीडी, जैसे एमडी, जैसे सीएलएस। ये कमांड्स ऐसे कमांड्स हैं जो हर हाल में कभी भी आपके लिए रन करना है, यूज करना पॉसिबल। अगर आपको कोई फोल्डर रीनेम करना है RMDIR, अगर आपको कोई फाइल डिलीट करना है DEL, अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है RMDIR, ये सारे कमांड्स हैं, रिमूव डायरेक्टरी, राइट। रीनेम करने के लिए क्या है, जस्ट REN, आई थिंक REN, रीनेम कमांड, और RMDIR देख लेंगे बाद में जो भी है, रीनेम, REN, व्हाटएवर। ये सारे कमांड्स ऐसे कमांड्स हैं जो आपके लिए डायरेक्टली विजिबल होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने यहां से कोई फाइल नेम एंटर किया, फाइल नेम एंटर किया, पहले एक बार आप लोग कंफर्म कर दो ये सब सीखने में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो ही मैं इसको अंदर तक जाऊं, नहीं तो इसको यहीं होल्ड कर दूं। जो अपने लिए जस्ट अभी करेंटली जरूरत है, केवल उतना ही मैं एक्सप्लेन करूं, बैकग्राउंड में एक्चुअली किस टाइप से ऑपरेट हो रहा है, एक्चुअली इसकी कहानी क्या है, ये सब कुछ आपको एज अ पाइथन प्रोग्रामर भी जानना जरूरी है। अगर आप में से किसी को इन चीजों का नॉलेज होगा भी, तो जस्ट थोड़ा बहुत ही होगा, डेप्थ लेवल तक तो नहीं होगा। क्या करना है, इसको आगे कंटिन्यू करूं? ठीक है, इंटरेस्टिंग आप बोर नहीं होगे, इंटरेस्टिंग भी है, प्लस एक ऐसा नॉलेज है जो आपको अदर प्लेसेस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉपरली देखो, आगे और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इसको। मेरी क्लास कभी आपके लिए बोरिंग तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। बस मेरी एक हैबिट है कि मैं किसी टॉपिक में घुसता हूँ, तो उसमें घुसता ही चला जाता हूँ अंदर, नेस्टेड फॉर्म में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना नॉलेज मेरे पास है, एटलीस्ट मैं पूरा नॉलेज आपके साथ डिलीवर कर सकूँ, मेरा हमेशा यही पर्पज होता है।
हो सकता है कोई नॉलेज आपको आज जरूरत ना पड़े लेकिन कल जरूरत पड़ जाए, कुछ नॉलेज ऐसा भी हो सकता है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर जरूरत पड़े, कुछ ऐसा भी नॉलेज हो सकता है जो आपको कंपनी में काम करने के बाद आपके लिए यूजफुल होने वाला है, दोनों ही केस है। फिलहाल मैं जस्ट इसका एक एक्चुअल एनवायरमेंट शो अप करता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से टाइप किया समथिंग नॉट पैड, तो इसके पीछे मतलब एक्चुअली परफॉर्म क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया यहाँ पर। और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से, राइट, सीएमडी प्रॉम्प्ट से आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग बट कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर किया करेगा एज अ कमांड। व्हाट इज द मीन बाय कमांड्स, किसी भी कमांड के रिस्पेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च क्या करता है, रिस्पेक्टेड ईएक्सई फाइल सर्च क्या करेगा, जस्ट नोटपैड टाइप किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेगा notepad.exe फाइल। अगर ओएस को ये notepad.exe फाइल मिल जाता है तो ये इसको ओपन कर लेगा, अदरवाइज notepad के लिए भी क्या बोलेगा, notepad इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, राइट। कैसे पता चलेगा इसको, ये एंटर, ये दो चॉइस हैं इसके पास, notepad.exe फाइल। फॉर एग्जांपल मेरे पीसी में टू ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव, या तो ये फाइल सभी ड्राइव्स के अंदर सर्च हो वन बाई वन, कौन सा फाइल, notepad.exe फाइल, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव, राइट। क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है सब कुछ, कोई भी फाइल अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो या तो सी ड्राइव का पार्ट होगा या डी ड्राइव का पार्ट होगा, अगर मेरे पीसी में केवल टू ड्राइव्स हैं देन ओनली, राइट। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल देगा, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि notepad.exe फाइल और एनी कमांड रिलेटेड exe फाइल एंटर हार्ड डिस्क मेमोरी में सर्च होता है, लेकिन एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हार्ड डिस्क मेमोरी में सर्च नहीं करता। उसका सिंपल रीजन है, सपोज दैट इज माई हार्ड डिस्क, इसका कैपेसिटी है समथिंग 1 TB विच इज इक्वलेंट ऑफ 1024 GB, राइट। यहाँ पर हो सकता है मेरे हार्ड डिस्क में कई सारे सब फोल्डर्स हैं, मतलब हो सकता है फोल्डर्स के अंदर फोल्डर है, लाइक दैट नेस्टेड फॉर्म है, फोल्डर देन नेक्स्ट फोल्डर देन नेक्स्ट फोल्डर एंड सो ऑन, इस तरह से हार्ड डिस्क में अनलिमिटेड फोल्डर हो सकते हैं, राइट, लाइक दैट। तो अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को अगर सभी प्लेसेस पर सर्च करता है, जितने भी प्रोबेबल केसेस हैं, जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज है, सभी प्लेसेस पर सर्च करें, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप कंट्रोल प्लस एफ कमांड से कुछ भी सर्च करते हो, राइट, अगर पूरे हार्ड डिस्क में सर्च करोगे तो हो सकता है नियरली आपको 20 या 30 मिनट्स का टाइम लगे किसी फाइल को सर्च करने में, मे बी पॉसिबल। तो सेम है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वायर्ड exe फाइल को सभी एंटायर हार्ड डिस्क में सर्च करेगा, इस कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक्स में, तो ये टाइम टेकिंग हुआ कि नहीं हुआ, टाइम टेकिंग हुआ, मतलब इससे ओएस का परफॉर्मेंस डाउन होने के चांसेस हैं, राइट। इसलिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी किसी फाइल को एंटायर प्लेस पर सर्च नहीं करता है, इसके लिए ऑलरेडी कुछ प्लेस ऑलरेडी डिसाइड कर दिए गए हैं कि आपको अगर किसी फाइल की जरूरत है या किसी exe फाइल को एग्जीक्यूट करने की नीड है, तो आप सभी प्लेस पर सर्च मत करो। जस्ट मैं आपको एक क्लू प्रोवाइड करने वाला हूँ, उस क्लू के हेल्प से आपको फाइल सर्च करना, तो क्लू क्या है, नथिंग बट एनवायरमेंट वेरिएबल्स, जैसे कि पाथ, तो पाथ क्या होता है, पाथ इज नथिंग बट जस्ट एनवायरमेंट वेरिएबल्स। आप बोलो सर ये नई पिक्चर क्या आ गई, एनवायरमेंट वेरिएबल्स का अभी तक नाम नहीं सुना, ये क्या होता है, वेरिएबल तो सबने सुना होगा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल जस्ट प्लेस होल्डर जिनके अंदर आपके लिए वैल्यूज स्टोर कराना पॉसिबल है, दैट्स इट, राइट। वेरिएबल्स क्या है, जस्ट लाइक अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस, राइट। लेकिन आपने देखा वेरिएबल्स जनरली सी में, सी सबने पढ़ा हुआ, सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के, व्हाट आर द टाइप्स, लोकल एंड ग्लोबल, राइट। तो आपको पता है अगर कोई वेरिएबल लोकल है तो केवल विद इन अ फंक्शन एक्सेस होता है, अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल है तो उसको विद इन अ प्रोग्राम एक्सेस करना पॉसिबल है। लेकिन ऐसा आपके पास कोई वेरिएबल का टाइप है जो प्रोग्राम के बाहर एक्सेस करना पॉसिबल हो, मींस सपोज दैट मैंने टू प्रोग्राम्स क्रिएट किए, लाइक दैट टू प्रोग्राम्स, राइट,
फर्स्ट प्रोग्राम मैंने सी लैंग्वेज में डेवलप किया है, सी लैंग्वेज। दूसरा प्रोग्राम सपोज पाइथन या फिर जावा में डेवलप किया है, राइट। तो सी लैंग्वेज के अंदर एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास मल्टीपल फंक्शन है, समथिंग M1, M2, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, कंप्लीट सिंटेक्स नहीं, बेसिक लॉजिक। सी प्रोग्राम के अंदर जस्ट थ्री फंक्शंस हैं, M1, M2, M3। अगर मुझे कोई वेरिएबल केवल M1 के अंदर एक्सेस करना है तो उसको डिक्लेयर कैसे करूँ, एज अ लोकल टू द M1। M2 में एक्सेस करना, देन टेक इट एज अ लोकल टू द M2, सेम लोकल टू द M3। अगर मुझे कोई वेरिएबल M1, M2, M3 तीनों ही फंक्शन के अंदर एक्सेस करना, देन टेक इट एज अ ग्लोबल। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को ग्लोबल बना भी देते हो, समथिंग 1+10 व्हाटएवर, तो ये M1 में भी एक्सेस हो जाएगा, M2 में भी एक्सेस हो जाएगा, M3 में भी एक्सेस हो जाएगा। क्या ये वेरिएबल जावा प्रोग्राम में एक्सेस होगा? नेवर। सेम एज जावा के अंदर भी थ्री टाइप के वेरिएबल्स हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल। तो जावा प्रोग्राम में अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ये प्रोग्राम, ये वेरिएबल केवल जावा क्लास के अंदर जो मेथड्स होंगे केवल उन्हीं के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल है। मतलब एक प्रोग्राम का वेरिएबल दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस करना पॉसिबल है क्या? नहीं। हो सकता है प्रोग्राम सेम लैंग्वेज में बनाया, हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज, नेवर पॉसिबल। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मुझे कोई ऐसा वेरिएबल रिक्वायर्ड है जो जावा प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस करना पॉसिबल हो, सी प्रोग्राम में भी एक्सेस करना पॉसिबल हो, पाइथन प्रोग्राम में भी एक्सेस करना पॉसिबल हो, तो ऐसे वेरिएबल्स कौन से हैं? इस आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है, मतलब ये वो वेरिएबल्स होंगे जो OS लेवल पर डिफाइन है, विच इज नथिंग बट एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स सभी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, राइट। इन वेरिएबल्स को किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एक्सेस करना पॉसिबल, इनसाइड एनी प्रोग्राम, चाहे वो सी का प्रोग्राम हो, जावा का प्रोग्राम हो, एनीथिंग। अगर आप ग्लोबल लेवल पर कोई डेटा और इंफॉर्मेशन मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स के बीच में शेयर करना चाहते हो तो उस केस में आप कौन सा वेरिएबल यूज करोगे? OS लेवल वेरिएबल्स, विच इज नथिंग बट एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल टू टाइप के थे, लोकल एंड ग्लोबल, उसी टाइप से अगेन एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स। व्हाट? जस्ट यूजर वेरिएबल्स एंड सिस्टम वेरिएबल्स। तो थोड़ी सी जिला इनकी भी दिखा देता हूँ, हाँ, इसकी एनवायरमेंट वेरिएबल्स कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स। मान लो आपने कोई न्यू पीसी परचेस किया या न्यू मोबाइल परचेस किया, पीसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, समथिंग जस्ट लाइक अ लैपटॉप, ठीक है, न्यू लैपटॉप परचेज किया आपने। अब उस केस में सबसे पहले लैपटॉप में आप इसको जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग क्या रहती है, जस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सबसे पहले आप पासवर्ड एंटर करते हो, क्यों? आपको पता है आगे चल के फ्यूचर में उसमें प्राइवेट डेटा स्टोर करने वाले हो। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपके पास, आपकी पूरी फैमिली के पास केवल एक ही लैपटॉप है, लेकिन उस फैमिली को हो सकता है आपके पेरेंट भी यूज करते हो, आपके सिस्टर और ब्रदर भी यूज करते हो, आप भी अगर यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, अगर आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर करना चाहते हो, आप चाहते हो किसी अदर फैमिली के लिए विजिबल ना हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, लैपटॉप के अंदर मल्टीपल यूजर अकाउंट्स क्रिएट करते हो, समथिंग यूजर 1, यूजर 2, हो सकता है आपने जस्ट एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है समथिंग पेरेंट्स, राइट, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है समथिंग योर पर्सनल अकाउंट एज माई अकाउंट, ठीक है। हो सकता है आपके कभी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, उनको भी एक्सेस करने का परमिशन देना चाहते हैं, एक और अकाउंट क्रिएट कर रखा है गेस्ट अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर टोटल इस लैपटॉप के अंदर कितने यूजर्स क्रिएट हुए? आपको पता है विंडोज एंड लाइनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस मोर देन वन यूजर क्रिएट करना पॉसिबल, दैट इज मीन बाय मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन याद रखना डॉस कैसा है, मल्टी यूजर और सिंगल यूजर, डॉस एंड यूनिक्स। जिसमें जानना चाहता हूं डॉस किस कैटेगरी में आता, मल्टी यूजर और सिंगल यूजर, सेम एज यूनिक्स, इज इट मल्टी यूजर और सिंगल यूजर? दोनों ही CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन याद रखना जो डॉस है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यूनिक्स के अंदर मल्टीपल यूजर अकाउंट्स क्रिएट करना पॉसिबल, डॉस के अंदर ओनली वन यूजर। लेकिन डॉस का ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास, जस्ट विंडो,
जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर की कैटेगरी में आता है। तो आप यूज क्या करते हो विंडोज, विंडोज मशीन में मोर देन वन अकाउंट क्रिएट करना पॉसिबल, क्लियर। तो उसके साथ अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं तो ये एंटायर सारे के सारे अकाउंट्स सेम ओएस का पार्ट हुए, डिफरेंट ओएस सेम ओएस, क्योंकि आप अपने लैपटॉप में मान लो आपने एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई, अब आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, जस्ट एनवायरमेंट वेरिएबल्स, तो एनवायरमेंट वेरिएबल या तो यूजर की कैटेगरी में आएगा या सिस्टम लेवल की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो अगर आपको मान लो पेरेंट्स अकाउंट के अंदर आपने कोई यूजर वेरिएबल की कैटेगरी में वेरिएबल क्रिएट किया समथिंग एक्स इक्वल टू 10, सेम है आपने सिस्टम लेवल की कैटेगरी में वेरिएबल क्रिएट किया समथिंग वाई इक्वल टू 20। तो एक्स यहां पर क्या है, यूजर वेरिएबल, यूजर मींस जस्ट लाइक अ लोकल वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल मींस जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। मतलब अगर कोई वेरिएबल यूजर वेरिएबल है तो यूजर वेरिएबल केवल उसी यूजर अकाउंट में विजिबल होगा जिसके अंदर आपने क्रिएट किया है। जैसे एक्स मैंने पेरेंट्स अकाउंट में क्रिएट किया, जब आप पेरेंट्स अकाउंट के थ्रू लॉगिन करोगे तभी आपके लिए यूजर वेरिएबल विजिबल होगा। लेकिन जो सिस्टम वेरिएबल है वाई, वाई सभी अकाउंट में एक्सेस करना पॉसिबल है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से जो सिस्टम वेरिएबल्स हैं वो क्या जस्ट लाइक है ग्लोबल, ग्लोबल टू ऑल यूजर अकाउंट, लेकिन यूजर वेरिएबल्स कैसे जस्ट लाइक है लोकल, राइट। आप में से एक क्वेश्चन पूछा सुमित ने, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेरिएबल। अभी मूवी स्टार्ट तो होने दो, सब कुछ पता चलेगा, हीरो कौन था, विलेन कौन था, जस्ट वेट करो। फालतू में आपको कभी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आपके लिए रियल में यूजफुल है तभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, टू टाइप्स के, यूजर एंड सिस्टम वेरिएबल्स। देखना चाहते हो कैसे देखोगे, जस्ट गो इनसाइड माय पीसी, राइट क्लिक एनीवेयर, किसी भी एम्प्टी प्लेस पर राइट क्लिक करोगे, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिला प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करो, राइट क्लिक इट, क्या रहा इस प्लेस पर, एडवांस सिस्टम सेटिंग, क्लिक इट, देन एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं टॉप लेवल पर, टॉप लेवल क्या सो रहा है आपको, यूजर वेरिएबल्स फॉर यूजर अकाउंट 91881। मैंने मतलब अपने मशीन में जो यूजर क्रिएट कर रखा है, यूजर अकाउंट का नेम क्या है 91881, अगर आपके अकाउंट का नेम सुमित है तो उस केस में आपको क्या शो होगा, यूजर वेरिएबल्स फॉर सुमित अकाउंट। इस लिस्ट में जो वेरिएबल्स आपको विजिबल हो रहे हैं, आपको दिख रहा है वेरिएबल और वेरिएबल वैल्यू, मीन वेरिएबल नेम और वेरिएबल वैल्यू, राइट। ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, यूजर वेरिएबल्स की कैटेगरी में। जस्ट बॉटम पार्ट में आप देखोगे क्या सो रहा है, सिस्टम वेरिएबल्स, क्या है जस्ट सिस्टम वेरिएबल्स। तो यहाँ पर भी कुछ लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स आपको सो रहे हैं, वेरिएबल्स के वैल्यू भी सो रहे हैं, राइट। उसमें से आपको एक वेरिएबल विजिबल हो रहा है, कैसे, कॉम स्पेसिफिकेशन, कॉम स्पेसिफिकेशन, उसका वैल्यू क्या है, सी विंडोज सिस्टम 32 cmd.exe। मैंने क्या बोला था, ये यूजर वेरिएबल्स से जस्ट, ये वेरिएबल्स कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वेरिएबल्स, मींस इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, मींस हो सकता है वो प्रोग्राम सी का हो, पाइथन का हो, जावा का हो, किसी भी प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स का वैल्यू एक्सेस करना पॉसिबल है। जैसे आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या सर ये वेरिएबल्स मेरे लिए सी में एक्सेस करना पॉसिबल है, अगर आप कोई यूजर कोई डेटा सी प्रोग्राम में भी एक्सेस करना चाहते हो, जावा प्रोग्राम में भी एक्सेस करना चाहते हो, पाइथन प्रोग्राम में भी एक्सेस करना चाहते हो, राइट, वहां पर आप यूज क्या करोगे, जस्ट इंट काउंटर कैर स्टार वेक्टर, और जो लास्ट आर्गुमेंट होता है सी लैंग्वेज के अंदर मेन फंक्शन का, वो एक्चुअली क्या होता है, ई एन वी, नेम कुछ भी ले सकते हो, जस्ट एक रीडेबल नेम है। जो थर्ड आर्गुमेंट है इसका पर्पज ये होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स का एक्सेस सी प्रोग्राम में प्रोवाइड करना, दैट्स इट। मैंने जैसे यहाँ सिंपली डिस्प्ले करा लिया परसेंट एस ई एन वी ऑफ जीरो इंडेक्स, मतलब वेरिएबल का नेम रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या सो रहा है, समथिंग पाथ में भी जेड कोई वेरिएबल होगा तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन इन यूज किया समथिंग इंडेक्स वन, यहाँ पर चेक करो क्या रहा है, कॉम स्पेसिफिकेशन विद सम वैल्यूज। तो यहाँ पर याद रखें इंटरनली कई लेवल्स पर सब्स्टिट्यूशन होता है, फाइनली आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या सो रहा है, वेरिएबल नेम वेरिएबल वैल्यू, जो इसका एक्चुअल वैल्यू था वो वैल्यू फाइनली जेड कॉलन कमांड डॉट कॉम से रिप्लेस हो रहा है। ये इंटरनल लेवल कन्वर्जेंस है, लेकिन अभी अपना टारगेट क्या है, क्या ये वेरिएबल रियल में सी प्रोग्राम में एक्सेस करना पॉसिबल है कि नहीं, यस इट इज पॉसिबल, राइट।
सेम है। अगर आप सेम वेरिएबल्स जावा प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहते हो तो जावा प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस करना पॉसिबल। जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं हुआ, ऑलरेडी जस्ट यहाँ पर कोई जावा प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। जावा प्रोग्राम में अगर आपको कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है, सिंपली आप यूज करो सिस्टम डॉट गेट ई एन वी, पास क्या करोगे एनवायरमेंट वेरिएबल नेम। तो जैसा कि आपने देखा एनवायरमेंट वेरिएबल नेम था कॉम स्पेसिफिकेशन, यही था शायद, तो इसका वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। तो पहले किसी वेरिएबल में इसको असाइन करा लो, उसके बाद जस्ट सिंपली आपके लिए इस वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। अब आप सोचो सर इनका यूज क्या है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस करने का परमिशन दिया है तो कुछ तो यूज होगा, ये तो अपने लिए अंडरस्टूड है, क्या होगा वो भी देखेंगे नो डाउट, ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चन आपके लिए कभी रहेगा ही नहीं। गेट ई एन वी में जो ई है वो स्मॉल लेटर में आएगा, जस्ट कंपाइल कर लिया। आप देख रहे हैं जावा प्रोग्राम भी कमांड प्रॉम्प्ट से ही कंपाइल कर रहा हूं और कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन किया जाएगा, काफी वैल्यूबल थिंग है। यहाँ पर इसका डिफरेंट वैल्यू आ रहा है समथिंग, राइट। अब आप बोलोगे इसका यूज क्या है, जस्ट कई बार ऐसा भी होता है जस्ट एप्लीकेशन लेवल पर, नॉट प्रोग्रामर लेवल, राइट। एप्लीकेशन लेवल पर कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं, कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ शेयर करना चाहते हो, तो उस इंफॉर्मेशन को हमेशा पुट किस में करोगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स की कैटेगरी में। देन अब वो इंफॉर्मेशन सी प्रोग्राम के लिए भी अवेलेबल है, जावा प्रोग्राम्स के लिए भी अवेलेबल है, किसी भी प्रोग्राम में एक्सेस करना पॉसिबल है, ठीक है। जैसे नॉलेज जानने के लिए थोड़ा सा अपन को हाई लेवल का नॉलेज चाहिए, अगर मैं वहां तक जाऊंगा तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे एडवांस लेवल पर पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा इनका यूज क्या है, अभी आज की क्लास में समझ में आ जाएगा, जस्ट इस क्लास को ओवर होने दो, ठीक है। इन दैट केस जस्ट मैंने आपके साथ जस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस किए। अब मैं बात कर रहा था जस्ट प्रीवियस केस में बेस्ड ऑन डायग्राम टेस्टेड, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हो गए, ये तो जस्ट यूजर और सिस्टम वेरिएबल्स में एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट किया। नेक्स्ट वन जस्ट मैं बात कर रहा था, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से टाइप किया मैंने जस्ट नॉट पैड, तो इंटरनली कैसे प्रोसेस हो रहा, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पेक्टेड ईएक्सई फाइल को सर्च करेगा, क्योंकि ये ईएक्सई फाइल ही बताएगा कि इस कमांड में या इस फाइल में किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है या कौन सा जॉब परफॉर्म होना चाहिए, राइट। ये फाइल जब ये सर्च करेगा तो एक तो ऑप्शन क्या है, सभी प्लेस पर सर्च करे, सभी प्लेस पर एवरी टाइम सर्च करेगा उसका सर्च टाइम काफी हाई होगा, मे बी 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, मे बी 1 आवर्स लाइक दैट। तो इतना वेट आप करोगे क्या नोटपैड टाइप करने के बाद, नहीं। आप क्या सोचोगे इससे अच्छा है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो, राइट। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑलरेडी एक प्लेस बना दिया गया है, जस्ट पाथ, पाथ भी एनवायरमेंट वेरिएबल है। ऑपरेटिंग तो सिस्टम कभी भी किसी exe फाइल को एंटर हार्ड डिस्क में सर्च नहीं करता है, जब भी आप कोई कमांड रेस करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्ट करेगा एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ को। यहाँ पर पाथ वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के पाथ अवेलेबल, समथिंग सी टेम्प, और मल्टीपल पाथ सेपरेट किससे होते हैं, सेमीकोलन से। हो सकता है कोई पाथ है समथिंग f1 f2 लाइक दैट एंड सो ऑन, आगे चल के आप देखो काफी डिटेल्स में। और मान लो जस्ट एज्यूम कर लो करेंटली पाथ टू प्लेसेस का अवेलेबल है, टेम्प फोल्डर का और F2 फोल्डर। जब आप कोई भी कमांड टाइप करो एनी कमांड, तो इससे रिलेटेड जो exe फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम exe फाइल को पूरे एंटर हार्ड डिस्क में सर्च न करके सबसे पहले किस फोल्डर में सर्च करेगा, सी ड्राइव के टेम्प फोल्डर में। मिल जाता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें अगर नहीं मिला तो सेकेंड प्लेस पर सर्च करेगा, सेकेंड लोकेशन में। तो इस टाइप से पाथ वेरिएबल के अंदर जितने भी लोकेशन सेट हैं उन सभी लोकेशन में सर्च होने के चांसेस होंगे, राइट। और यहाँ पर फ्यू लिमिटेड लोकेशन होंगे, मे बी 5, 10, 20, राइट। यहाँ पर इजिली सर्च करना पॉसिबल, फास्टली सर्च करना पॉसिबल है। अब इस सिचुएशन में अगर कोई कमांड से रिलेटेड exe फाइल सर्च नहीं हो रहा है, तो उस केस में अगर ये exe फाइल टेम्प फोल्डर में या F2 फोल्डर में आप पेस्ट कर दो तो OS के लिए एक्सेस करना पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ, पॉसिबल हुआ। तो सेम है, आप बोलोगे सर नोटपैड किस टाइप से एक्सेस हो रहा है, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ करेंटली एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ का वैल्यू क्या है, मतलब करेंटली कितने लोकेशंस का पाथ अवेलेबल है। तो इसके लिए आपके पास कमांड है ईगो कमांड,
जैसे अगर आपको कोई एनवायरमेंट वेरिएबल कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट करना है, आप इस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो से भी एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। कैसे? जस्ट वेरिएबल नेम और वॉट एवर यू वॉन्ट टू वैल्यू, एनी वैल्यू। जैसे मैंने साइन किया 10, राइट? क्या रहा है? वेरिएबल इज नॉट रिकॉग्नाइज इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसके लिए अगर आप कोई नया वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, वेरिएबल क्रिएट करना पॉसिबल, उसके लिए कमांड अवेलेबल है जस्ट सेट कमांड। कौन सा कमांड यूज करोगे? सेट देन वेरिएबल नेम वेरिएबल वैल्यू। चेक करो प्रीवियस केस में एरर आया था, वेर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो कमांड प्रॉम्प्ट में ग्रेटर के बाद जो भी आप फर्स्ट नेम टाइप करो वो हमेशा कमांड कंसिडर होता है। यहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कमांड क्या? सेट। ये क्या करे? नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया, राइट? अगर ऑलरेडी इस नाम का कोई वेरिएबल है तो उसका वैल्यू रिप्लेस किससे हो जाएगा? 10 से। सेम है, मुझे वेरिएबल नेम क्रिएट करना है x, x इक्वल्स टू 10, ऑल्सो वैलिड। अब मुझे पता करना है x का करंट वैल्यू क्या है, तो आप यूज क्या करोगे? जस्ट इको कमांड। सिंटेक्स क्या इसका? इको परसेंट वेरिएबल नेम परसेंट। तो अगर वेरिएबल का नेम x है तो इस परसेंट के बीच में क्या टाइप करो? x। चेक करो x का वैल्यू डिस्प्ले हो गया जस्ट 10। सिस्टम लेवल की फंक्शनलिटी आपके लिए वेरी यूजफुल होते याद रखना। सेम एज आगे चल के मैंने x का वैल्यू चेंज कर दिया, मे बी एज 20। अब इसका ओल्ड वैल्यू 10 रिप्लेस हुआ। वेरिएबल का नेचर क्या होता है? वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर चेंजेबल थिंग्स। ओल्ड वैल्यू हमेशा रिप्लेस किससे हो जाता है? लेटेस्ट और न्यू वैल्यू से। अगर मैं फिर से चेक करता हूँ व्हाट इज द करेंट वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आएगा? 10 और 20, जस्ट 20, राइट? तो वेरिएबल के अंदर एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कराना पॉसिबल है। जैसे एक्स का करेंट वैल्यू 20 है, मैंने फिर से 10 असाइन किया तो 20 रिप्लेस हो जाए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसमें 10 भी असाइन हो जाए और जो ओल्ड वैल्यू है व्हाट एवर 20 30 व्हाट एवर ओल्ड वैल्यू भी प्रिजर्व करना पॉसिबल हो। तो उसके साथ यूज करोगे किसी सिंगल एनवायरमेंट वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू कॉमा से सेपरेट करके असाइन करना पॉसिबल है, लाइक दैट। अब चेक करो एक्स के वैल्यू क्या हुआ है? 10 20 30, जस्ट कॉमा सॉरी सेमी कॉलन क्या है यहाँ? सेपरेटर, राइट? अगेन इसका वैल्यू कंफर्म करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 10 और 10 20 30, दैट ऑल वैल्यूज कंप्लीटली टेस्टेड। क्या रहा है? 10 सेमी कॉलन 20 सेमी कॉलन 30, राइट? नेक्स्ट वन अगेन, अब मुझे क्या करना है इस वेरिएबल एक्स के केस में? फिर से एक नया वैल्यू असाइन करना है, टेस्टेड। अगेन आप यूज करो सेट एक्स इक्वल्स टू न्यू वैल्यू असाइन करना मे बी एस 40, लेकिन मैं क्या चाहता हूं इसमें नया वैल्यू भी असाइन हो जाए और अगर इसका कोई ओल्ड वैल्यू है वॉट एवर आई डोंट नो एनीथिंग, अगर इसका ओल्ड वैल्यू भी आपको जस्ट प्रिजर्व करके रखना है तो आप यूज करोगे सेमी कॉलन 10 सेमी कॉलन 20 सेमी कॉलन 30। एक तो ये अप्रोच हुआ, लेकिन मैं बात करूं मुझे पता ही नहीं है कि इसका ओल्ड वैल्यू क्या है। तो ओल्ड वैल्यू किससे आया था? परसेंट वेरिएबल नेम परसेंट से। तो वेरिएबल नेम के प्लेस पर क्या जस्ट एक्स, तो 40 के ऐड हो जाएगा या न्यू वैल्यू, इसके बाद में अपेंड क्या हो जाएगा? एक्स का ओल्ड वैल्यू, राइट? ये सारे टर्म्स यूजफुल है, अभी जस्ट इसका यूज भी बताने वाला हूं। चेक करो यहाँ पर अब इस पर 40 भी सेट है और परसेंट एक्स परसेंट के प्लेस पर 10 20 30 ऐड हो चुका होगा। चेक इट, इको परसेंट एक्स परसेंट। बिगिनिंग में क्या आया? जस्ट 40 और एंडिंग में क्या आया? ओल्ड वैल्यू, ठीक है? तो इस तरह से परसेंट एक्स परसेंट जरूरी नहीं एंड में ही होना चाहिए, अब बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हो। अगेन वन मोर टाइम्स, सेट एक्स इक्वल्स टू 5 परसेंट सेमी कॉलन परसेंट एक्स परसेंट सेमी कॉलन 7 टेस्टेड, इको परसेंट एक्स परसेंट। तो परसेंट एक्स परसेंट इस प्लेस पर क्या ऐड हो चुका होगा? ओल्ड वैल्यू 10 टू 30, पहले क्या ऐड हुआ है? 5, बाद में क्या ऐड हुआ है? 7, टेस्टेड। क्या रहा है? और दैट ऑल वैल्यू। तो इस टाइप से किसी सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू प्रिजर्व करना पॉसिबल है। अब यहाँ पर मेरा एक्स वाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किसमें? एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ। जिस टाइप से एक्स एनवायरमेंट वेरिएबल है उसी टाइप से पाथ भी एनवायरमेंट वेरिएबल है। तो किसी भी एनवायरमेंट वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो कमांड क्या है? इको परसेंट वेरिएबल परसेंट। तो यहाँ वेरिएबल नेम के प्लेस पे क्या टाइप करो? जस्ट पाथ। चेक करो यहाँ पर अभी तक इतने लोकेशंस का पाथ अवेलेबल है और सेट है, मींस अब जितने भी कमांड टाइप कर रहे हो तो पहले वो कमांड से रिलेटेड exe फाइल कहाँ सर्च करेगा? इस एंटायर लोकेशन के फाइनली बिन फोल्डर में, इन सभी फोल्डर में चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली बिन में।
बिन में अगर फाउंड हो जाता तो ठीक है, नहीं मिला तो नेक्स्ट लेवल पर अगेन फिर से एक और पाथ है जावा पाथ समथिंग, इसमें भी फाउंड नहीं हुआ था, नेक्स्ट पाथ है जावा विंडोज सिस्टम 32, सिस्टम 32 में अगर कोई exe फाइल नहीं मिला तो नेक्स्ट पाथ क्या सी विंडोज, सी विंडोज इसको प्रॉपरली देखना, ये पिक्चर में आने वाला है आगे, सी विंडोज, इसमें भी नहीं मिला तो इस टाइप से कंटिन्यू कब तक रखेगा, जब तक सभी प्लेस पर सर्च निकल लेता, तो यहाँ पर जस्ट लिमिटेड प्लेस है, मे बी 10, 20, 30, तो 10, 20, 30 सर्च ऑपरेशन ओएस के लिए काफी फास्ट ऑपरेशन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट करना पॉसिबल होता है, राइट, यही रीजन रहता है यहाँ पर फास्टली सर्च कर रहा है। अगेन देखते हैं, तो पाथ जैसे एक्स वेरिएबल था, मैंने आपको क्या बताया एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल था कि नहीं था, पॉसिबल था, तो सिमिलरली यहाँ पर पाथ भी तो वेरिएबल है, तो क्या पाथ का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसका भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसका वैल्यू सेट कर दिया सी टेम्प, तो अभी तक जितने लोकेशन का पाथ सेट था वो सभी पाथ वैल्यू रिप्लेस किस हो जाए ओनली सी टेम्प से, राइट। लेकिन इससे पहले मैं एक कमांड कंफर्म करना चाहता हूं, जस्ट नॉट पैड, तो नोटपैड पहले कहां सर्च होगा बिन में, देन दैट प्लेस, एक्चुअली जो notepad.exe फाइल है कहां पर अवेलेबल है, समवेयर इनसाइड विंडोज फोल्डर, चेक करते हैं रियल में ऐसा है कि नहीं, सी ड्राइव के अंदर जाओगे इसके अंदर फोल्डर नेम क्या हुआ समथिंग विंडोज, ऐसा कोई फोल्डर है क्या, होना तो चाहिए, क्या सो रहा है सी ड्राइव के अंदर सब फोल्डर है विंडोज, क्या इस प्लेस पर रियल में कोई notepad.exe फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, देखते हैं That is notepad.exe file, है कि नहीं, right? अगर आप इस notepad.exe file पर क्लिक करोगे, इसका वर्किंग क्या है, जस्ट notepad सॉफ्टवेयर को ओपन करना, डबल क्लिक किया से notepad ओपन हुआ कि नहीं हुआ, notepad ओपन हो रहा है, अब यही कमांड में डबल क्लिक करके भी रन कर सकता हूँ, दूसरा केस क्या आपके पास, by using command prompt, यहाँ पर भी 1x1 सर्च करेगा तो चेक करो विंडोज का पाथ सेट है कि नहीं, इस फोल्डर का पाथ सेट था इसलिए OS के लिए notepad फाइल आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हुआ, बट सपोज दैट जब मैं पाथ किसी न्यू वैल्यू से अपडेट कर दूं, जैसे सेट पाथ इक्वल्स टू सिंपली सी टेम्प, अब पाथ का न्यू वैल्यू क्या है, जस्ट दिस टेम्प फोल्डर, वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग इको कमांड परसेंट पाथ परसेंट टेस्टेड, अब पाथ का नया वैल्यू क्या है, जब यही कमांड मैंने प्रीवियसली रन किया तो कई सारे लोकेशन का पाथ सेट हो रहा सो रहा था मिस लोकेशंस, अब केवल टेम्प फोल्डर का पाथ विजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, नाउ ऑनवर्ड्स आप कुछ भी टाइप करो एनीथिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहां सर्च करेगा, उस प्लेस पर सर्च करेगा जिसका इंफॉर्मेशन पाथ वेरिएबल में, पाथ में आपको होता है इसका वैल्यू टेम्प है, तो notepad.exe कहां सर्च करेगा, टेम्प फोल्डर में, तो टेम्प फोल्डर में इस नाम का कोई फाइल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए notepad एक्सेस करना पॉसिबल हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आपने उसको मिसगाइड कर दिया लोकेशन चेंज करके, तो अभी प्रीवियसली किसी अननोन कमांड के लिए बार बार क्या बोल रहा था, सर्च कमांड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल, सेम एज अभी तक आपने देखा नोटपैड सक्सेसफुली ओपन हो रहा था, लेकिन अब ओपन हुआ क्या, नहीं, क्या आएगा, नोटपैड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड टेस्टेड, कुछ समझ में आया इससे, नहीं आया, नोटपैड मैंने टाइप किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहां सर्च किया होगा, जिस लोकेशन का पाथ सेट है, और पाथ केवल एक ही फोल्डर का सेट है टेम्प, तो टेम्प फोल्डर में सर्च करेगा, चेक करते टेम्प फोल्डर में इस नाम का ऐसा कोई फाइल था क्या, दिस इज टेम्प फोल्डर, राइट, टेम्प के अंदर इस नाम का कोई भी फाइल नहीं, कुछ exe फाइल है नो डाउट, जैसे आप देख रहे हैं टेम्प फोल्डर में kelsey.exe है, एक्चुअली सी प्रोग्राम है जिसका exe फाइल मैंने टेम्प फोल्डर में ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, तो exe फाइल है कि नहीं, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, है तो सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये मैंने खुद ने डिजाइन किया, जस्ट कैलकुलेटर, एक तो सी प्रोग्राम आप टर्बो सी एडिटर से रन करते हो, चेक करो अगर मैं यहाँ पर kelsey टाइप करता हूँ इज इट वर्किंग और नॉट, ऑपरेटिंग सिस्टम को किससे मतलब है, kelsey.exe फाइल से, और ये exe फाइल OS कहाँ सर्च करेगा, टेम्प फोल्डर में, अवेलेबल है कि नहीं, यस इट इज अवेलेबल,
अवेलेबल है तो रन हो जाएगा। एक तो रन करने का वे क्या है, सिंपली डबल क्लिक इट, डबल क्लिक करके भी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट ए अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का प्रोग्राम है, राइट। एक तो ये वाला आपके पास अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है, बाय यूजिंग गो थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, कैलसी टाइप किया, चेक करो यहाँ पर डायरेक्टली मेरे लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल, प्रोग्राम रेडी है, मुझे एडिशन कराना, जस्ट प्रेस वन, क्या है, एंटर योर फेवरेट अर्थमेटिक ऑपरेशन, वी वांट टू एंटर वन, एंटर टू नंबर 10 20, परफॉर्म क्या हुआ, एडिशन, टेस्ट इट, 10 20 मैंने एंटर किया था इनका, एडिशन क्या 30, अगेन ये फिर से न्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी है, नहीं मुझे तो अब बाहर जाना है, राइट, प्रेस फाइव, फिर से आप वापस आ गए, राइट। अगर मैं यहाँ पर पाथ चेंज कर देता हूँ, सेट पाथ इक्वल्स टू डी पाइथन क्लासेस, राइट, ये भी तो प्लेस था, चेंज कर दिया, वेरीफाई करो, इको परसेंट पाथ परसेंट, अब आपको पता होना चाहिए करेंटली पाथ किस फोल्डर का सेट है, टेम्प का या पाइथन क्लासेस का, पाइथन क्लासेस का। अगर मैं यहाँ कोई कमांड रेज करता हूँ कैलसी, एक्चुअली सी प्रोग्राम है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या एज्यूम करेगा, कमांड, इसके लिए सर्च क्या हुआ, कैलसी डॉट ई एक्स ई, तो कैलसी डॉट ई एक्स ई कहाँ सर्च होगा, बोलो बता सकते हो, कैलसी डॉट ई एक्स ई अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ सर्च करेगा, ओएस को इसका तो पता ही नहीं होता है कि है कहाँ, वो केवल सर्च कहाँ करेगा, जिसका लोकेशन पाथ में, कहाँ सर्च पाथ में क्या है, पाइथन क्लासेस फोल्डर, आपको पता है इस फोल्डर में ऐसा कोई फाइल है ही नहीं, ये वर्क कर रहा है क्या, नहीं, क्या शो कर रहा है, कैलसी इज नॉट रिकॉग्नाइज इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, राइट। अगर आप चाहते हो आपके लिए फाइल एक्सेस करना पॉसिबल, जस्ट इस फाइल को कॉपी का कर लो पाइथन क्लासेस फोल्डर में, अगर इस फोल्डर में मैं कॉपी कर दूं इसको, वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के लिए कमांड है मूव, कहां से कॉपी करना, फ्रॉम सी टेम्प, विच फाइल, कैलसी डॉट ईएक्सई, कहां पर, पाइथन क्लासेस में, पाइथन क्लासेस फोल्डर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट होता है, किससे, डॉट, डॉट मीन्स करेंट, जस्ट मूव हो चुका है, अब वेरीफाई कर सकते हो DIR कमांड से, करेंट फोल्डर में कैलसी डॉट ई एक्स ई फाउंड हो रहा है, अब मेरे लिए कैलसी फिर से टाइप करना पॉसिबल, क्लियर। तो सिमिलरली अगर मैं नोटपैड टाइप करता हूँ तो नोटपैड भी कहाँ सर्च करेगा, पाइथन क्लासेस फोल्डर में, और इस फोल्डर में तो नोटपैड है ही नहीं, क्या रहा, नोटपैड इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, राइट। इसका मैं कन्फाइनली ये पूरे टर्म्स क्लास को फिनिश करने से पहले पाइथन से रिलेट करने वाला हूं, मतलब इन सारे टर्मिनोलॉजी का पाइथन से क्या रिलेशन है, मैं कुछ भी आपको फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनका पाइथन से भी रिलेशन है, ठीक है। नोटपैड, तो अब अपने पास चॉइस क्या है, आपको पता है कि नोटपैड पाइथन क्लासेस फोल्डर में है ही नहीं, ये तो कहां पर है, सी विंडोज के अंदर अवेलेबल है, कहां पर, सी विंडोज फोल्डर में। अगर ये इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल करना है तो आप जस्ट इस इंफॉर्मेशन को पाथ वेरिएबल में असाइन कर दो, किसमें असाइन कर दो, पाथ वेरिएबल में, राइट। लेकिन असाइन करने के लिए कमांड क्या, सेट कमांड, अब आप चेक करो, वेरीफाई कर लो करेंटली पाथ किस लोकेशन का सेट है, विंडोज फोल्डर का। अब आपके लिए केवल वही कमांड रन करना पॉसिबल है जिसके एग्जीक्यूटिव फाइल्स विंडोज डायरेक्टरी में अवेलेबल है। क्या बोलते हो, नोटपैड ओपन हुआ कि नहीं हुआ, नोटपैड कहाँ सर्च होगा, विंडोज फोल्डर में, और आपको अभी मैंने दिखाया था विंडोज फोल्डर में नोटपैड डॉट ई एक्स ई फाइल प्रेजेंट है कि नहीं, यस प्रेजेंट, तो ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो, यस, एंटर की प्रेस किया, नोटपैड ओपन हो गया, क्या एडिट प्लस ओपन होगा, आई डोंट नो, अगर एडिट प्लस डॉट ई एक्स ई फाइल विंडोज में एग्जिस्ट कर रहा है तो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट प्लेस पर है, क्या आएगा, एडिट प्लस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्लियर। देखते हैं एडिट प्लस कहां पर है, सी ड्राइव के अंदर जस्ट एक फोल्डर होगा प्रोग्राम फाइल्स, इस प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में सब फोल्डर है क्या, एडिट प्लस थ्री, इस एडिट प्लस थ्री के अंदर क्या है, एडिट प्लस डॉट ई एक्स ई फाइल, राइट। आपको तो पता चल गया कि ई एक्स ई फाइल कहां पर है, मैंने इसको जस्ट कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, पाथ मैंने कॉपी कर लिया बाय यूजिंग कंट्रोल सी,
अब यही इंफॉर्मेशन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अवेलेबल करना है, तो सिंपली यूज क्या करो, सेट पाथ इक्वल्स टू पेस्टेड, राइट। जस्ट मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब चेक करो पाथ किसका सेट होगा, एडिट प्लस थ्री फोल्डर का। तो इसके बाद अगर आप कोई भी कमांड रन करोगे, कहाँ सर्च होगा ये एक्सी फाइल, एडिट प्लस थ्री फोल्डर में। यहाँ पर नोटपैड है क्या, नहीं। अगेन नोटपैड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। बट अगर मैं एडिट प्लस टाइप करता हूँ, एडिट प्लस, तो एडिट प्लस ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है, नो डाउट। क्लियर, क्या बोलते हो, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेंटली वर्क कर रहा है, राइट। कंफ्यूजन तो नहीं है। मैं चाहता हूँ एडिट प्लस भी ओपन हो जाए, नोटपैड भी ओपन हो जाए। तो नोटपैड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी विंडोज सेमी कॉलन, एडिट प्लस का पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है, एडिट प्लस का तो लोकेशन ऑलरेडी सेट था। तो अभी पाथ का ये एडिट प्लस थ्री क्या है, पाथ का एग्जिस्टिंग वैल्यू, ये एग्जिस्टिंग वैल्यू विंडोज के साथ अपेंड करना है। क्या यूज करोगे, परसेंट पाथ परसेंट, कितने लोकेशन का पाथ सेट हो रहा है, विंडोज का प्लस प्रीवियस, कितने पाथ सेट हुए, टू, एडिट प्लस थ्री फोल्डर एंड विंडोज फोल्डर। नाउ ऑनवर्ड्स अब आपके लिए वो सारे exe फाइल एक्सेस कर सकते हो जो या तो विंडोज फोल्डर में या फिर एडिट प्लस थ्री फोल्डर में, राइट। नोटपैड टाइप करो तो विंडोज में फाउंड हो जाएगा, इसलिए नोटपैड ओपन हो गया, नो डाउट, राइट। एडिट प्लस टाइप करो, एडिट प्लस भी ओपन हो गया, राइट। लेकिन अभी भी एमएस वर्ड ओपन करना पॉसिबल नहीं है। एमएस वर्ड के लिए क्या है, विन वर्ड, इसके ईएक्सई फाइल का नेम क्या होता है, विन वर्ड, नॉट रिकॉग्नाइज। देखते हैं कहां पर है एक्चुअली, लास्ट 2 और 3 मिनट्स बचे हुए, उसके बाद मैं जस्ट ओवर कर दूंगा, ठीक है। सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर सब फोल्डर है, देन जस्ट विंडोज एमएस माइक्रोसॉफ्ट नाम का फोल्डर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंदर सब फोल्डर है ऑफिस 12, जहां पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है, ऑफिस 12। इसके अंदर कोई फाइल होगा समथिंग विन वर्ड डॉट ईएक्सई फाइल, चेक करो एमएस वर्ड के आइकन से रिलेटेड exe फाइल का नेम क्या है, एमएस वर्ड और विन वर्ड, विन वर्ड, राइट। किस लोकेशन में, ऑफिस 12 के अंदर, जस्ट इस लोकेशन को मैंने कॉपी कर लिया, राइट। सेम एज पावर पॉइंट, एक्सेल और भी कई सारे फाइल्स होंगे, तो एक्सेल को ओपन करने के लिए कौन सा फाइल है, excel.exe, सभी सेम लोकेशन में प्रेजेंट है। अगर मैं इस लोकेशन को कॉपी कर लूं और पाथ में असाइन कर दूं, मतलब आपको तो पता चल गया कि विन वर्ड कहां पर है, ये इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है। तो कैसे बताओगे, यूजिंग सेट पाथ, राइट, पेस्टेड। आप चाहते हो प्रीवियस पाथ भी बना रहे, सेमी कॉलन, परसेंट पाथ परसेंट, थ्री लोकेशन का पाथ सेट हो गया, नोटपैड ओपन हो रहा है, एडिट प्लस ओपन हो रहा है, राइट, नो डाउट, विन वर्ड, एमएस वर्ड नहीं, जस्ट विन वर्ड, टेस्टेड, नाउ इट इज ओपन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना पॉसिबल है, अगर इस exe फाइल का पाथ सेट कर चुके हैं। एक्सेल, एक्सेल भी ओपन हो जाएगा, नो डाउट, राइट। पावर पॉइंट भी ओपन हो जाएगा, पावर पीएनटी समथिंग ऐसा कुछ नाम है इसका, क्लियर हो गया। मान लो मैंने कोई पाइथन प्रोग्राम क्रिएट किया टेस्टिंग पर्पज से, राइट, हेलो डॉट पाई प्रिंट वेलकम, पाइथन के लिए मेन फंक्शन की या किसी भी चीज की जरूरत है ही नहीं, केवल इतना सफिशियंट है कि नहीं, सफिशियंट है। जस्ट मैंने इसको फाइल को सेव कर दिया, क्लोज भी कर दिया, पाइथन प्रोग्राम रन करना है, तो आपको पता है पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड क्या है, पाई हेलो डॉट पाई, क्या रहा है, जस्ट वेलकम। आप बोलो सर इसका पाथ कहां से ले लिया इसने, पाइथन का तो पाथ सेट ही नहीं है, राइट। तो आपको याद होगा जब मैंने पाइथन के केस में इंस्टॉलेशन किया था, वहां पर एक चेकबॉक्स आया था ऐड पाइथन पाथ, पाइथन का पाथ ऑलरेडी परमानेंटली ऐड हो चुका है, ठीक है, वेरीफाई करना पड़ेगा, परसेंट पाथ परसेंट, तो ये स्टार से तो नहीं मिलेगा, वो परमानेंटली एडेड है। तो आप चेक करो, अगर आपको पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले लोकेशन चेक करोगे, पाइथन से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पाथ, यहाँ पर अभी पाइथन से रिलेटेड कुछ है क्या, टेस्टेड है कि नहीं, अवेलेबल है, राइट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको, पाइथन 39,
अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से बाय यूजिंग दिस डिलीट ऑप्शन, फिर पाइथन कमांड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि परमानेंटली यूजर वेरिएबल्स की कैटेगरी में ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आगे इसको आगे रिलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज द रोल ऑफ पाइथन। अगर बाई मिस्टेक कोई पाइथन पाथ को ऐड करना भूल गया है, पाइथन टेस्ट करते हैं, पाइथन कमांड अभी वर्क कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। व्हाई? आई डोंट नो। एक्चुअली पाइथन डॉट ई एक्स फाइल जिस प्लेस पर अवेलेबल है उस प्लेस का पाथ अभी तक सेट नहीं हुआ है, राइट? पाइथन डॉट ई एक्स फाइल डिफरेंट प्लेस पर अवेलेबल होता है। कहां पर होता है? जस्ट मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आज की क्लास में बोर हुए हो, लेकिन ये नॉलेज शेयर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, जिससे मतलब मैं चाहता हूँ आप मेरी क्लास में जो कुछ भी पढ़ रहे हो उन सभी थिंग्स का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इसको यूज करने के पीछे पर्पस क्या था। अधूरा नॉलेज अच्छा नहीं होता है। क्या बोलना चाहोगे? आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा या बोरिंग रहा? कुछ नया सीखने को मिला? आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। आप सीख तो पाइथन रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या क्या सीख जाओगे क्लास के खत्म होने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और तुम में से किसी के पास अभी तक कोई ग्रुप में ऐड नहीं हो पाया है तो जस्ट मुझे अपना एक बार नेम व्हाट्सएप के थ्रू रीसेंड कर देना, उनको फिर से एक बार लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, जो नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनके साथ इसका जूम मीटिंग आईडी का लिंक शेयर नहीं करना, ना ही ग्रुप का और ना ही जूम मीटिंग का। अगर आप लिंक शेयर करोगे तो मैं फिर मुझे आपका क्लास में डेली स्टार्टिंग के 10 या 15 मिनट वेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। उसका रीजन बता दूं, अगर जो स्टूडेंट रजिस्टर नहीं हुए वो भी क्लासेस को कंटिन्यू कर दें तो मैं जस्ट आपको जब एडमिट करूंगा मीटिंग में मुझे 10 से 15 मिनट तो चेक करने में लग ही जाएंगे। क्या वो 40 to 50 स्टूडेंट्स हैं उनको मैं डेली चेक करूंगा तो 10-15 मिनट आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अब आप डिसाइड कर लेना, अगर आप उसको शेयर कर भी दोगे तो मैं तो उसको पकड़ ही लूंगा, लेकिन जस्ट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो जितने भी मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं बाद में चेंज करूँ किसी अदर स्टूडेंट के साथ, नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। मैं उसको पकड़ तो लूंगा लेकिन जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें घाटा मेरा नहीं है, आपका घाटा है। तो इसलिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो हर चीज का तोड़ है।